हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश कुक बुक। आज हम लोग बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि है हक्का नूडल्स इन स्ट्रीट स्टाइल। ये बहुत ही टेस्टी रहती है, आप भी ट्राई कीजिएगा। सो विदाउट फर्दर डिलेस लेट्स गेट स्टार्टेड आवर रेसिपी। उसके इंग्रेडिएंट्स है, हमें 5 पैकेट हक्का नूडल्स का पैकेट आता है, हमें वो लेना है। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। हमने यहाँ 50 ग्राम पत्ता गोभी लिए, 150 ग्राम हमने प्याज लिए और 150 ग्राम हमने शिमला मिर्च लिया है। अब हमें चाहिए कुछ सॉस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस चाहिए हमें, 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल चाहिए कुकिंग ऑयल, 2 टेबल स्पून शेजवान चटनी, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस एंड 1 टेबल स्पून सोया सॉस एंड हमें चाहिए 1 चुटकी हींग, 1 कंपनी के हैं। एंड हमें चाहिए रेड फूड कलर जो उसे स्ट्रीट स्टाइल लुक देगा। और हमें कुछ ड्राई स्पाइसेस चाहिए, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 and a half टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 and a half टेबल स्पून मैगी मसाला, 1 टेबल स्पून ज़ीरा एंड 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर। अब हमने लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें हमने करीब 1 to 1.5 लीटर पानी लिए हैं। उसमें 1 टेबल स्पून नमक डालें, उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम उसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम उसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी में बॉईल आने के बाद अब हम इसमें नूडल्स को ऐड कर देंगे। और नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नूडल्स को हमें तब तक पकाना है जब तक हम उसे तोड़े तो वो मैश हो जाए, कच्ची ना रहे। जैसे हम इसे तोड़े हैं, ये हल्की सी कच्ची लग रही है, हमें इसे अभी और पकाना होगा। लगभग हमें उसे 5 to 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉईल करना होगा। ये पक गई है, अब हम इसे छान लेंगे। देखिए ये कैसे मैश हो रही है। अब हम इसे छान लेंगे। और उसे फैला लेंगे। उसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह नूडल्स पे मिक्स कर लेंगे ताकि नूडल्स चिपचिपे ना लगे। अब हम सेम कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे उसे गरम होने देंगे। उसमें हम प्याज डालेंगे
उसे हल्का सा पका लेंगे। हमें उसे ज़्यादा नहीं पकाना है। और उसे हाई फ्लेम पर ही बनाना है। अब हम उसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नूडल्स में ज़्यादा सब्ज़ियाँ ज़्यादा पकी हुई अच्छी नहीं लगती, थोड़ी कच्ची ही अच्छी लगती है। अब हम इसमें पत्ता गोभी भी ऐड कर देंगे। और इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है। जब सब्ज़ियाँ इस स्टेज पर आ गए तो हम इसमें सारे ड्राई स्पेसेस डाल देंगे, जैसे धनिया पाउडर, नमक, ज़ीरा, चाट मसाला, रेड चिल्ली पाउडर और मैगी मसाला, और उसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम सारे सॉस भी डाल देंगे, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो केचप, रेड शेजवान चटनी, और रेड चिली सॉस, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चुटकी हींग। और जो नूडल्स के साथ में मसाला आया था हम वो भी ऐड कर देंगे। और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पे मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें बॉईल किए हुए नूडल्स डाल देंगे। एंड हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि नूडल्स पर मसाला कोट हो जाए अच्छी तरीके से। देखिए अब हमारे नूडल्स रेडी है। अब हम इसे हरे धनिया से गार्निश कर देंगे।
ये हमारा बहुत ही टेस्टी डिलीशियस नूडल्स तैयार है। होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए। पसंद आएंगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thanks for watching.